आज हम सीखेंगे कि स्टार्ट स्टॉप लॉजिक हम सिंगल पुश बटन का यूज करके कैसे बनाते हैं। प्रोग्राम में हमने एक इनपुट लिया है जो नॉर्मल ओपन टाइप है और इसे हमने फंक्शन ब्लॉक ALTP से कनेक्ट किया है। ALT का मीनिंग है अल्टरनेट ऑन ऑफ, M4 डेस्टिनेशन डिवाइस है। सेकंड रंग में हमने मेमोरी बिट M4 जो ALTP फंक्शन की डेस्टिनेशन आउटपुट बिट है उसे आउटपुट Y4 से कनेक्ट किया है। ALTP इंस्ट्रक्शन को हम ग्राफ से समझते हैं। अगर ALTP का इनपुट हाई होगा तो आउटपुट भी हाई हो जाता है और इनपुट लो होने पर भी आउटपुट हाई बना रहता है। आउटपुट जब तक हाई बना रहता है जब तक सेकंड टाइम इनपुट नहीं हाई होता है। जैसे ही सेकंड टाइम इनपुट हाई होता है तो आउटपुट लो हो जाता है। इस तरह ALTP इंस्ट्रक्शन वर्क करता है। अब हम प्रोग्राम टेस्ट करते हैं। पुश बटन को प्रेस करते हैं तो आउटपुट Y4 ऑन हो जाता है। इनपुट लो होने पर भी आउटपुट हाई है। सेकंड टाइम जब फिर से इनपुट को हाई करते हैं तो आउटपुट ऑफ हो जाता है। इस तरह हम ALTP इंस्ट्रक्शन का यूज करके सिंगल पुश बटन से आउटपुट को ऑन ऑफ करने का लॉजिक बना सकते हैं।